विकास का कोई कार्य नहीं किया, हमेशा उल्टी राजनीति की उन्होंने, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की उन्होंने। उनकी किस्मत में था वो विधायक बन गए, नहीं तो इसका भी जो है ना लड़की और पत्नी को जो है वोट मांगने के लिए भेजते हैं वो। जनादेश टीवी में आपका स्वागत, मैं सलीम फारूकी। आज मैं ज्वालापुर विधानसभा में हूँ, गांव बुड्डा हेड़ी में। आइए मैं जन संपर्क में हूँ। अब मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता आपके किसको अपना विधायक देखना चाहती है साहब? आपके 2022 के इलेक्शन में आप किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं? कांग्रेस को, कांग्रेस को सर। कांग्रेस को, कांग्रेस को। कांग्रेस में कौन उम्मीदवार है? रवि बहादुर साहब। जी जी हाँ, आप बताइए, आप 2022 के इलेक्शन में किसको अपने विधायक देखना चाहते हैं? हम 2022 के इलेक्शन में विधानसभा ज्वालापुर से रवि बहादुर को अपना प्रत्याशी बनाकर और भारी मतों से उसे विजय बनाएंगे। युवा चेहरा है और जमीन से जुड़े हुए हैं और वो जनता की आवाज को विधानसभा तक ले जाने का कार्य। राठौड़ साहब ने लड़कियों को और क्या नाम रेपिस्ट है वो, पहले भी अपनी जो है ना लड़की और पत्नी को जो है वोट मांगने के लिए भेजते हैं, वो खुद भी नहीं आते। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये फुरकान की विधायक बनी हुई है। विधानसभा ज्वालापुर में फुरकान द्वारा कार्य किया गया है। यहाँ पर वो झोजे में मतलब जो ये बिरादरी वाद इलेक्शन करा रहा है उसने, मतलब मोदी के नाम पर वोट मिला था उसे, आपके बार उसे वोट मिलने वाला यहाँ से नहीं, इसका नहीं मिलने वाला पहुँचाने का कार्य करा। रवि बहादुर साहब को क्यों पहुँचाना चाहते हैं? कहीं और अच्छा, राठौर साहब ने क्या कार्य किया अपने कार्यकाल में? देखा नहीं आपने कितना बढ़िया वो करा? अच्छा, देखा नहीं क्या कितने खड्डे पड़े इसमें? अच्छा, क्योंकि खड्डों को देखो। आइए जी साहब, आप 2022 के इलेक्शन में किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं? ज्वालापुर विधानसभा से हमारे विधायक रवि बहादुर जी समझो इसमें बन चुके हैं। क्यों रवि बहादुर साहब काम किया, उनके कार्य से खुश नहीं है? हम तो ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, क्षेत्र में आप लोग घूम रहे ज्यादा, देख लीजिए क्या कंडीशन है, लोगों में क्या रुझान है, उनका विरोध कितना है। क्यों विरोध है? विरोध क्यों? उन्होंने काम ही नहीं किया क्षेत्र में। क्या काम कराना चाहते हैं आप? विकास का कोई कार्य नहीं किया, हमेशा उल्टी राजनीति की उन्होंने, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की उन्होंने। कभी पाकिस्तान बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। पाकिस्तान किसे बता दिया? ये क्षेत्र को बताते हैं, ये क्षेत्र हमारा पाकिस्तान पड़ रहा है हमारे एरिया में। अच्छा, जब जो लोग होते हैं ना, जो जो प्रत्याशी होते हैं, वो लोग सबको एक जैसा मानना चाहिए उनको। अच्छा। सभी वोटर मेरे अपने हैं। हाँ। जितने भी हैं 1,16,000 वोट है यहाँ पे जी। सब मेरे अपने हैं। अब ये थोड़ी वो पाकिस्तान के होगी, वो हिंदुस्तान की, ये कहाँ का है भाई? सबरा हिंदुस्तान एक है, पूरा एक मोतियों की माला है पूरा, इसमें हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। पैसे थोड़े होते हैं, पाकिस्तान हो गई है 48% हमारा ही हो, 52% पाकिस्तान हो गया, ये अच्छी बात नहीं है उन लोगों की। अच्छा, तो आपके किसको विधायक देखना चाहते हैं यहाँ से? तो देखो फिलहाल तो रवि बहादुर हमारे विधायक बिल्कुल चुनने वाले हैं। आप बताएं 2022 के इलेक्शन में आपके आप किसको अपना नुमाइंदा चुनेंगे? हम रवि बहादुर को चुनना चाहते हैं। क्यों चुनना चाहते हैं? इसलिए चुनना चाहते हैं, ये यंग है और इसमें जो है काम करने का जज्बा है। बाकी हमारे एरिया में कांग्रेस ने विकास किया था, कोई विकास कार्य हमारे यहाँ नहीं हुआ। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार आई थी हमारे यहाँ, आप देखो ये खड्डे खुदे हुए, ये यहाँ तक भी है, फुरकान का डर रहा, ये फुरकान विधायक यहाँ तक भी नहीं। राठौर साहब, राठौर ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उनके बारे में कुछ बताएंगे आप क्या? बस उनके बारे में क्या, देखो ऐसा वो ठीक है, उनकी किस्मत में था वो विधायक बन गए, नहीं तो काबिल नहीं है वो। जातिवाद उनके दिमाग में भरा हुआ, उनके दिमाग में कूट कूट का जातिवाद भरा हुआ। वो कभी भी अमन पसंद की बात नहीं करते, हमेशा जो है उल्टी सीधी हिंदू मुस्लिम मतलब उल्टा सीधा ही करते हैं। अच्छा। सारी बेकार की बातें करते हैं। बिटिया सुरक्षित नहीं है जी। आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप? वो आदमी भ्रष्ट है, उसका बलात्कार करते हुए पकड़ा गया। वो कौन पकड़ा गया बलात्कार करते हुए? ये आपका राठौर, राठौर उसमें केस दर्ज है। अच्छा जी, तो वो आदमी जो है हर तरीके से गंदा आदमी है, वो ड्रामेबाज है, कभी मतलब कभी महात्मा बन के बैठ गया, कभी गुंडागर्दी पे आ गया। उसके जो घर में है वो भी उसने भगा के शादी की थी, समाज में शादी नहीं की उसने। अच्छा। हाँ, पंजाबी समाज से मतलब उसकी लव मैरिज हुई हुई है। अच्छा, तो उसके तो विचार ही गंदे हैं बहुत। ठीक है दोस्तों, बताइए। सर, हम रवि बहादुर को इसलिए चुनना चाहते हैं जी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सरकार हमें मतलब जॉब दे, वैकेंसियाँ निकाल ले,
और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ में आगे है, लेकिन जो बीजेपी है उसने हमें राम मंदिर वगैरह और इसी तरह का जातिवाद करना और हिंदू मुस्लिम करना, इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया। वैकेंसी अब निकाली बाद में, क्योंकि अब इलेक्शन आ गए, अब बाद में वैकेंसी निकाल रही है, और हो सकता है ये भी कि इन्हें भी लेट करके इन्हें भी वापस ले ले। ठीक है, स्टूडेंट के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। दोस्तों, मैं सलीम फारूकी, जनादेश टीवी से नमस्कार।